फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मेरे चैनल पे आप सबको स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए कैप लेके आई हूँ, बेबी कैप। ये 2 साल से 3 साल के बच्ची के लिए है। बहुत आसान है, सिंपल है। देखिए इस तरह से, चलिए इसको शुरू करते हैं। कैसे बनाना है फ्रेंड्स, मैं ये 100 चेन बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं धागा को बड़ा करूँगी और ये जो चेन है इसी चेन के अंदर से धागा को हम खींच लेंगे और ये 1 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन यहाँ पे, फिर 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम हर एक चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। ये लाइन हम कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हम दोबारा इसी तरह रिपीट करेंगे। 3 चेन लिया, हर एक चेन के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। इसको 2 राउंड बनाने के बाद हम कलर चेंज करेंगे। इसमें हम कोई घर नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो घटाएंगे, सीधा सीधा ये बांधते जाएंगे। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको 4th लाइन कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 4 लाइन कंप्लीट करने के बाद इसमें हम दूसरा धागा ज्वाइन किया इस तरह से। यहाँ पे हम 3 चेन ले लेंगे और 1 डबल क्रोशिया। ये जो हम बना रहे हैं इसमें हम सिंपल है, इससे ऐसे इसमें कुछ डिजाइन नहीं बनेंगे। इस खाली जस्ट कलर चेंज करके इसको हम बनाते हुए जाएंगे। ये बहुत आसानी से बनाया जा सकते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से हर एक चेन के अंदर हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये लाइन कंप्लीट किया। यहाँ पे मैंने 4 लाइन पिंक डाला था, यहाँ पे 2 ब्लू 2 पिंक 2 ब्लू 2 पिंक, ठीक है। उसके बाद हम क्या किया, यहाँ पे हम 35 यहाँ पे छोड़ के बीच में हम ज्वाइन किया इस तरह से। यहाँ पे हम बीच में 30 यहाँ पे ये इसको आप गिनती कर लीजिएगा, 1 2 करके 3 ऐसे करके गिनती करके यहाँ पे हम 35 छोड़ दिया। इसके बाद हम यहाँ पे हम बनाएंगे 3 हो गया। 3 चेन लेने के बाद हर एक चेन के अंदर इस तरह से हम बनाएंगे। हर एक चेन के अंदर हम 30 बना लेंगे। देखिए बीच में हम 30 कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से हम ऊपर बढ़ाते हुए जाएंगे, इसी को हम बढ़ाते जाएंगे। और यहाँ में 35 यहाँ पे 35, टोटल हमारा था 100 फंदा। ये फंदा मतलब ये 1 डबल क्रोशिया 100 हम डाले थे, यहाँ पे 35 डाल लिया और बीच में 30। तो इसको हम ऊपर कंप्लीट करते हुए जाएंगे। वन टू थ्री, हर एक चेन के अंदर हम इसको ऊपर बढ़ाते बनाते हुए जाएंगे। इसमें हम कोई
पढ़ाएंगे नहीं, ऐसे जितना घ ये है हम डबल क्रोशिया बनाए, वन डबल क्रोशिया करके 30 है तो 30 बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए मैं ये कंप्लीट कर लिए हैं, ये टोटल हम 13 लाइन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर ज्वाइन कर दिया, 3 चेन लिया, उसके बाद 1 2 3 3 छोड़ देंगे। टू डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, उसी के अंदर से हम 2 डबल, टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर 1 2 3 में देखिए इस तरह से 1 2 3 छोड़ देंगे, फिर 2 चेन, फिर 1 2 3 छोड़ देंगे। इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। और यहाँ पे हम 3 3 छोड़ देंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये मैं इस तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट का जो है हमारा ये जो चेन है, लास्ट का चेन है, इसको हम यहीं पे जॉइंट कर देंगे और इसको घुमा लेंगे। फिर 1 2 3 1 2 भी स्टिच बनाएंगे हम हर एक 4 डबल क्रोशिया जो बनाते इसी के अंदर से हम भी स्टिच बनाएंगे। 1 2 चेन, 1 2 इसको कंटिन्यू बनाते जाइए। इस तरह से हम भी स्टिच बनाते भी जाएंगे। भी स्टिच कंप्लीट कर लिया हमने, यहाँ पे धागा ज्वाइन कर दिया पिंक कलर, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनेंगे इस तरह से। 1 2 3 शुरुआत इस तरह से हमने किया। पहले हम 3 चेन लेंगे, इसी के अंदर से हम 3 बार हो गया, ये 4 बार कर लिया। फिर इसके बाद जो ये वाला भी स्टिच है इसी के अंदर से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको। फिर 1 2 3 फिर यहीं से फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 हो गया, ये 4, इसको यहाँ पे हम इस तरह से अंदर से ले लेंगे। फिर 1 2 3 इस तरह से देखिए हम कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ टाइम लेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह से कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मैं ये कंप्लीट कर लिए हैं जिस तरह से, देखिए इसको कंप्लीट कर लिया। अभी हम यहाँ पे धागा फिरो लिया, ये धागा में सुई डाल लिए हैं। अभी इसको इस तरह से सिलेंगे। इसको रॉन्ग साइड और राइट साइड देख लीजिएगा, ये
राइट साइड है ये ऊपर का रॉन्ग साइड है, इसको हम रॉन्ग साइड से सिलेंगे। इस तरह से देखिए इसका ये कोना, इस तरह से हम सिल लेंगे इस कोना तक। इस तरह से हम यहाँ तक सिल लेंगे। हम यहाँ पे दूसरा इस तरफ से हम देखिए जॉइंट कर दिया है, फिर इसको हम इस तरह से यहाँ से भी इस साइड से भी हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ तक जॉइंट कर लेंगे। देखिए मैं ये लेस बना लिया इस तरह से, यहाँ पे जॉइंट करके ये लेस बना लिया। बाकी दूसरे में भी हम ये जो है गैप यहाँ पे हम धागा जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे और इसमें हम बनाएंगे 45 चेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. टोटल हम 45 बना लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, धागा को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये फास्ट का जो चेन है इसी के अंदर से हम डबल क्रोशिया, हर एक चेन के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। हर एक चेन के अंदर हम इसको बनाएंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं इसको कंप्लीट कर ली इस तरह से लेस लगा के। तो फ्रेंड्स थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।